एक समरी हम समराइज कर लेते हैं हमारा, हमने आज जो भी बात करा है, सो दैट एक छोटे उसमें सब हम रैप अप कर लें. सो सो आई थिंक समरी में दो तीन चीज़ें हमने बात की. एक तो हमने बात की है अल्कोहल एंड अल्कोहलिक रिलेटेड डिजीजेज. सो उसका जो मेन ये है कि अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट. नाउ ओकेजनल ड्रिंक, कपल ऑफ ड्रिंक्स हियर एंड देयर, वंस इन अ वीक, वंस इन टू वीक्स, मे बी ओके. बिंज ड्रिंकिंग इज बैड बिकॉज बिंज ड्रिंकिंग से कई बार सिवियर रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ द ब्रेन एंड अदर थिंग्स. सो बिंज ड्रिंकिंग इज बैड. Constant regular drinking is bad. It is going to damage your liver, or your pancreas, or your nerves, or your brain. कुछ ना कुछ problems करेगा. Cancer का incidence भी बढ़ाएगा. बाकी सब चीजों मतलब सारी नुकसान ही करेगा. So alcohol should be extremely limited and infrequent. That's number one. Second thing की liver के लिए हमको regular follow up, regular investigations or assessment of liver is as important as looking for diabetes, other things. Because अगर हम पहले पता चल जाए कि liver में problem हो रही है तो उसको prevent कर सकते. तीसरी जो कॉमन चीज़ है फैटी लिवर, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट और एक्सरसाइज ये हमारे नॉर्मल रिजीम में इंक्लूड करें. जैसे कि आज से 40 साल पहले हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, रोज उनको चलना होता था या साइकिल से जाते थे, कार्स नहीं थी, मोटरसाइकिल्स नहीं थी, मिठाई बहुत मुश्किल से कम आती थी, तो दैट वॉज अ गुड हेल्दी वे ऑफ लिविंग. सो अब हम लोगों की जो हेल्थ लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल गलत हो गया है, तो उसको करेक्ट करना, कम बैक टू इंक्रीज एक्सरसाइज, लो फैट लो कार्बोहाइड्रेटेड फॉर फैटी लिवर, ठीक है. दूसरी चीज हमने बात की थोड़ी IBS की. सो IBS में ये है कि आप डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप कि आपके अगर कोई अलार्म सिम्टम्स है, अलार्म सिम्टम्स का मतलब है अगर वेट लॉस हो रहा है आपको, ब्लीडिंग हो रही है, रेक्टल ब्लीडिंग है, ब्लैक स्टूल्स, रेड स्टूल्स हैं, या अगर आपकी एज 40, 45, 50 से ज़्यादा है, तो आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार उसको इन्वेस्टिगेट कराएं. अगर यंग एज में है सब कुछ है तो मेनली सेम थिंग कम्स बैक टू गुड हाई फाइबर डाइट और एक्सरसाइज, दैट विल हेल्प कंट्रोल द IBS सिम्टम्स. चौथी हमने बात की थोड़ा एसिडिटी की. सो वही मैंने कहा जैसे रामबाण वही है हमारा कि हम अगर हेल्दी खाएंगे, कम खाएंगे, तला हुआ घी वाला नहीं खाएंगे, मिर्च मसाला कम खाएंगे रिलेटिवली. मैं नहीं कह रहा कि मसाला नहीं खाना है, मसाला इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, टर्मेरिक, हींग, ये सब चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन रिलेटिवली. एंड अगर मिर्ची भी है तो उसमें भी दैट बेनिफिट्स ऑफ दैट ऑल्सो, बट इन मॉडरेशन. बट मेन थिंग इज कि एक्सेसिव स्पाइसेस, एक्सेसिव यूज ऑफ फैटी फूड, ये सब चीज़ें आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को वर्सन करेंगी. और वेट गेन होगा तो एसिडिटी वर्सन होगी. अगर आप ओबीस हैं, अगर आप 10% बॉडी वेट कम करते हैं तो आपका 60-70% इम्प्रूवमेंट होता है आपके रिफ्लक्स के सिम्टम्स में. दिस इज वेल प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज. तो ये चीज़ें आपको करनी है मेनली कि लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल राइट फ्रॉम द बिगनिंग. तो आप वेट नहीं करेंगे जब तबीयत खराब होगी, जब प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी. वो कहते हैं व्हेन द काउ इज आउट ऑफ द बार्न देन देयर इज नो पॉइंट. सो इसलिए आप शुरू से ही और बचपन से ही, बल्कि बच्चों की भी यही आदत डालें कि चीनी, मीठा वगैरह आप कभी कदार खाना है, खाली ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है. उनकी फूड हैबिट्स ऐसे डेवलप करें, अपनी फूड हैबिट्स वैसे रखें. एक्सरसाइज को आपको पूरे परिवार के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, हर स्टेज पे अलग अलग लेवल ऑफ एक्सरसाइज चालू रखें.